नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, 3 फंदा सीधा बुन लें, 2 3। चौथे फंदे को दूसरे रंग के ऊन से बुनेंगे। एक बार सिलाई में ऐसे 2 बार ऊन लपेटिए, एक सीधा फंदा बनाइए, फिर ऊन अपनी ओर कीजिए और दूसरी बार इसी फंदे में 2 बार सिलाई में ऊन लपेटिए और एक सीधा फंदा। यानी हमने एक फंदे से 3 फंदा बना लिया। फिर 5 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, 1 2 3, और बीच बीच में इसे लपेटते रहिए, 4 5। और छठा फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, इसमें हम एक फंदे में 3 फंदा बनाएंगे, एक फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी फंदे में एक बार और सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। यहाँ पे हमने एक फंदे से 3 फंदा कर लिया। फिर अगला 5 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, 2 बार ऊन लपेट के एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में 2 बार सिलाई में ऊन लपेट के एक सीधा फंदा बना लेंगे। और लास्ट के सभी फंदे पहले रंग के ऊन से सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, अब 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे और दूसरे रंग का ऊन जो है इसे खोलेंगे और इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब दूसरे रंग का ऊन यहीं पे रहेगा, अब हमें सिर्फ पहले वाले रंग के ऊन से ही बुनना है। सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे और लपेटे हुए फंदे खोल लेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। बुनना नहीं है, इसे हमें स्लिप करना है और बाकी फंदे बुन लेंगे। और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे इसे स्लिप कर लेंगे और शेष सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहले रंग के ऊन से ही एक फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप करेंगे, या पहला फंदा एज स्टिच है। अब दूसरा फंदा और इन लपेटे हुए में से पहला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। और अभी लपेटे हुए फंदे को यहीं रहने देंगे, दूसरे वाले फंदे को इसे बुन लेंगे और ये बीच का फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है। और अब पीछे से ऐसे सिलाई लाइए, लपेटे हुए फंदे को अभी छोड़ दीजिए और दूसरे फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को लपेटा हुआ फंदा इसे उठाइए, सीधा कीजिए और अगले फंदे के साथ सीधा बुन लीजिए। अगला फंदा सीधा, अब लपेटा हुआ पहला फंदा और ये फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। दूसरा वाला फंदा सीधा बनाएंगे, लपेटे हुए फंदे का ये बीच वाला फंदा है ऐसे स्लिप कर लेंगे और या तो इसको ऐसे गिरा दीजिए, अगला फंदा सीधा बुन लीजिए और फिर इसको उठाइए और दोनों को एक साथ लेते हुए, लपेटा हुआ फंदा और अगला फंदा एक साथ लेते हुए सीधा बुन लीजिए। हमने लपेटे हुए फंदे को एक एक फंदे के आगे और पीछे किया है। अगला फंदा सीधा, फिर इस फंदे को और पहले वाला लपेटा फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे
इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अगला फंदा सीधा, बीच वाला फंदा दूसरे रंग का फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब इस वाले फंदे को गिरा दीजिए, अगला फंदा सीधा, लपेटा हुआ फंदा उठाइए, उसे सीधा कीजिए और अगले फंदे के साथ एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लीजिए। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारा छठा लाइन है। सातवें लाइन में सभी फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब डिज़ाइन का आठवां लाइन, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, दो तीन चार। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बीच वाला फंदा था जो बुना गया है, तो इसके तीसरा वाला फंदा हमें दूसरे रंग के ऊन से बुनना है, एक का तीन करना है। अब इसका तीसरा फंदा यानी दो फंदे और बुन लेंगे और ये आपका सेंटर फंदा हुआ। इस फंदे को हमें एक से तीन बनाना है, लेकिन दो बार ऊन लपेटते हुए। एक उल्टा बनाया, दो बार ऊन लपेटते हुए ऊन सिलाई में लपेटेंगे और इसी में एक बार और उल्टा बनाएंगे सिलाई में, दो बार ऊन लपेटते हुए। फिर पांच फंदा उल्टा पहले रंग के ऊन से, फिर अगले फंदे में हमें एक से तीन बनाना है दूसरे रंग के ऊन से। दो बार ऊन लपेटा, एक उल्टा फंदा बनाया, फिर सिलाई में ऊन लपेटेंगे और इसी में एक बार और दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक से तीन किया। अब शेष सभी फंदे पहले रंग के ऊन से उल्टा। अब ये डिज़ाइन का नाइन्थ रो है। अब सिर्फ पहले रंग के ऊन से हमें बुनना है, सभी फंदे सीधा बुन लेंगे, लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, एक से तीन किया गया फंदा ऐसे खोलेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। अगले पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधा बुनेंगे, लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, इसे स्लिप कर लेंगे और शेष सभी फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, लपेटा हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। ग्यारहवां लाइन और सामने से बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लिया जाएगा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तेरहवां लाइन और सामने से चार फंदा सीधा बना लेंगे और फिर ये पांचवा फंदा और इसका पहला फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। उसके बाद वाला फंदा उसे सीधा बुन लेंगे। अगले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। ये देखिए, एक से तीन किए गए फंदे का ये बीच वाला फंदा है, इसे बुनना नहीं है। अगले फंदे को गिराएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर तीसरे फंदे को उठाएंगे, इसे सीधा करेंगे और अगले फंदे के साथ एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, देखिए हमने इन दोनों लूप को एक एक फंदे के आगे और पीछे किया है। यहाँ पे तीन फंदा है तो, और यहाँ पे देखिए ये पांच फंदों में से, बीच के पांच फंदों में से ये दो फंदा बुना जा चुका है, ये तीसरा फंदा है, ये चौथा फंदा और इसका लूप, दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। उसके बाद पाँचवें फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब ये बीच का फंदा है, एक से तीन किए गए फंदे में से ये दूसरा फंदा है, तो इसको स्लिप कर लेंगे और ये किनारे के पांच फंदों में से ये पहला फंदा, इसे बुन लेंगे और दूसरे फंदे के साथ और
इसको लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। लास्ट के चार फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद हमें दो लाइन प्लेन बनाना है, यानी आगे से फंदा सीधे, सारे फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हमारा इस लाइन में डिज़ाइन पड़ेगा। तो तीन, तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देखिए आपके सामने है, आगे से ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा। यहाँ से डिज़ाइन शुरू हुआ है और दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा है, फिर तीसरा डिज़ाइन राइट साइड से, चौथा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से। पहला डिज़ाइन राइट साइड से पड़ा है, दूसरा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से, तीसरा डिज़ाइन राइट साइड से, चौथा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से। तो डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।